हेलो फ्रेंड्स, आइए सिंधी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 64 BPSC मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम दिए हुए बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं आया, 65 BPSC प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा, और ये मल्टीपल डिसऑर्डर का रिज़ल्ट कब आएगा, इसका मर्ज करके आंसर रिज़ल्ट कब आएगा, साथ ही साथ 65 BPSC प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मान के चलिए बैक टू बैक हमारे पास डेली जो है कम से कम 150+ क्वेश्चंस डेली पूछे जाते हैं, क्यूरी आती है कि इसके रिज़ल्ट आएंगे कैसे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो आना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए किसी के साइड से कोई क्लेरिफिकेशन तो आ नहीं रहा है, ना ही आयोग के साइड से, ना ही कहीं किसी भी साइड से। तो ये एक बेचैनी का विषय बना हुआ है, जिन्होंने 64 BPSC मेंस दिया है या 65 BPSC प्रीलिम्स दिया है, तो उनके भी दिमाग में एक बेचैनी है, उत्सुकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो ये बनी हुई है। तो अब अगर हम इसको देखें, 64 BPSC मेंस का रिज़ल्ट अगर हम डिले होने का कारण चेक करें, तो मान के चलिए आपको अगर याद होगा तो टोटल वैकेंसी अगर आई थी तो 1495, ठीक, जिसमें ऑलमोस्ट 19,000 के अराउंड स्टूडेंट्स जो है प्रीलिम्स क्लियर किए थे, जिन्होंने मेंस लिखा है। तो अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट्स पे अगर हम देखें तो जैसे आपको पता होगा जनरल हिंदी की कॉपी थी, GS पेपर 1, GS 2 और ऑप्शनल, तो एक स्टूडेंट पे अगर हम चार कॉपी को मेंशन करें तो 19,000, अगर हम 19,000 मोटा मोटा लेते हैं और इंटू फोर करते हैं तो मान के चलिए एक अच्छे अमाउंट में 76,000 के अराउंड कॉपीज़ हो जाती हैं जो आयोग को चेक करनी पड़ेगी। तो इतने बल्क अमाउंट में कॉपी चेक कर पाना, टाइम बाउंड फ्रेम में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो रहा है अभी तक। अभी सुनने में आ रहा था कि रिज़ल्ट फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, बट ये मान के चलिए ये रिज़ल्ट डिले हो रहा है। और जैसा कि र्यूमर है या फिर सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है हमारे पास, तो ये मान के चलिए फरवरी में और मार्च में तो ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस रिज़ल्ट के आने का चांस 15 अप्रैल के आसपास ही है। तो 64 BPSC मेंस का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 15 अप्रैल के आसपास ही आएगा, इधर इसके आने का कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है ड्यू टू बल्क कॉपीज़। अब आपके दिमाग में आएगा कि जैसे 64 BPSC प्रीलिम्स के समय आयोग का कैलेंडर आया हुआ था, जिसमें मेंशन किया गया था कि ऑलमोस्ट 12 to 14 मंथ्स में एक वैकेंसी क्लियर करा देंगे, बट ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक। तो मान के चलिए कि जो है इसमें आयोग की गलती नहीं है, ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा होने की वजह से ऐसा डिले हुआ है। नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम हम देखें तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है वो यही है कि 65 BPSC प्रीलिम्स रिज़ल्ट कब आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी एक को हुए भी अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो अब इसमें क्या डिले हो रहा है। तो आपको भी पता है कि जैसे कि इसमें तो हाईकोर्ट ने बैन लगाया, स्टे दिया कि आपको जो है मल्टीपल डिसऑर्डर स्टूडेंट्स को के एग्ज़ाम को भी साथ में कंडक्ट करा के उनके रिज़ल्ट को पब्लिश करिए, तो ये उसके रिगार्डिंग जो है डिले हुआ है। तो इसका ये मान के चलिए कि अभी जैसे 17 फरवरी को जो है री एग्ज़ाम है मल्टीपल डिसऑर्डर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स का, तो उसको होने के बाद ये मार्च 1 वीक तक आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 65 BPSC प्रीलिम्स का। तो आप उसके बाद मेंस की तैयारी कर साथ ही साथ करते रहिए, क्योंकि आपने हमारा कट ऑफ वीडियो देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो इंडी स्क्रीन में हम उसे लगा देंगे, एक बार उसे आप देख सकते हैं। उसी के अराउंड कट ऑफ आपकी 65 BPSC प्रीलिम्स की रहेगी। जिनका क्लियर हो रहा है वो मेंस की तैयारी करिए साथ ही साथ। नेक्स्ट ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो नए न्यू कमर हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 66 BPSC प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, आयोग की दो दो वैकेंसी हैं जो अभी फंसी हुई हैं, एक 64 BPSC मेंस और एक है 65 BPSC प्रीलिम्स। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के जबकि रिज़ल्ट नहीं आते हैं जब तक, तो उसका इफ़ेक्ट 66 BPSC प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन पे पड़ रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन भी मार्च 1 वीक तक आ जाना चाहिए, लेकिन ये अब ये भी जो है सुनने में आ रहा है कि ये डिले होगा, ठीक है। तो ये बैक टू बैक है, डिले होते जा रहे हैं इनके रिज़ल्ट। तो बट इससे सबसे बड़ा जो है डिमोटिवेशन अगर देखने को मिले तो वो स्टूडेंट्स को फील करना पड़ रहा है। डिमोटिवेशन इस सेंस में कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करते हैं और उसका रिज़ल्ट टाइम बाउंड फ्रेम में नहीं आता है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है कि यार हम पढ़ते जा रहे हैं और ये हमारा रिज़ल्ट टाइम बाउंड फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। बट अगर आप
सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो इतना तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि हमें टाइम बाउंड फ्रेम में अपना काम करते चलना है। जब एग्ज़ाम जब होगा तो देखा जाएगा। तो 64th BPSC मेंस के रिज़ल्ट आपको जैसे पता चल गया है कि अप्रैल मिड में आएगा, और जैसा कि हमने बताया कि 65th BPSC प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है, ये जो है आपका मार्च 1 वीक में आ जाएगा, तक आ जाएगा। और साथ ही साथ 65th BPSC प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है ये थोड़ा डिले होगा, तो ये भी जो है कुछ 1-2 मंथ में आ जाएगा। अगर अगर हम साथ ही साथ बात करें इसकी 65th BPSC प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद जो मार्च 1 वीक में आ जाएगा, तो उसके बाद इसका मेंस कब तक होगा? तो इसका मेंस जो है मान के चलिए कि 20 मई से लेके 10 जून के बीच में हो जाएगा, ठीक है। 20 मई से लेके 10 जून के मध्य में इसका मेंस हो जाएगा, 65th BPSC मेंस का, ठीक है। 65th BPSC मेंस आपका 20 मई से लेके 10 जून के बीच में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो आप उसके लिए भी एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए। और अगर जो है हम आगे की रणनीति की बात करें कि अब आपकी जो या तो 65th BPSC प्रीलिम्स के स्टूडेंट हों या फिर 66th BPSC प्रीलिम्स के जो न्यू कमर हैं, उनकी आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, 65th BPSC प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स जो हमारा कट ऑफ वीडियो देख लीजिए एक बार, और जिनके मार्क्स क्लियर हो रहे हैं तो वो तो टोटली जो है मेंस में लग जाइए, बिना कुछ सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना हेजिटेशन के, और डेली जो है 1-2 आंसर की आंसर राइटिंग करते रहिए। और जिनका लग रहा है कि कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ पढ़ें जब तक जो है 66th BPSC प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आता। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलते हैं उनकी ही तैयारी परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स तो अब आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है, करंट अफेयर्स और जो है जितना स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है उसको जो है अच्छे से 2 बार रिवाइज़ करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं मेंस में आपके सामने क्रिएट होगी, तो इसलिए जो है 1-2 आंसर डेली आंसर राइटिंग करते रहिए और इस पर पकड़ बनाते रहिए। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वही सेम चीज़ है 66th BPSC प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो हमारा 65th BPSC प्रीलिम्स बुक लिस्ट के लिए वीडियो है वो भी हम इंडी स्क्रीन में लगा देंगे, आप उसे देख लीजिए एक बार। उससे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो डेली कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग करते रहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग आप कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे करें? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि IAS हिंदी की अपनी एक आंसर राइटिंग सीरीज चलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अराउंड मान के चलिए 6000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। 5 से 6 ग्रुप चल रहे हैं जिसमें अराउंड 6000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उसके लिए आप भी जुड़ सकते हैं उससे। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक नंबर है 8853 7333 87, फिर से देख लीजिए 8853 7333 87, 8853 7333 87। इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 65th BPSC के स्टूडेंट्स हों या 66th BPSC के। अगर आपके अंदर जुनून है, आप लिखना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम टोटली फ्री है। इसमें क्या होता है कि आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम आपको जो है लिंक शेयर करेंगे, आप उससे हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको YouTube पे क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको वहाँ पे नए आंसर पोस्ट करने रहेंगे। तो मान के चलिए कि हमने 64th BPSC मेंस भी करवाया है और 65th BPSC मेंस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप इस समय आंसर राइटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें करते रहिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है। तो बिना हेजिटेट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, टोटली फ्री है, और अराउंड 6000 स्टूडेंट्स में जुड़े हुए हैं। तो मान के चलिए कि जो है आप दूसरों के आंसर को भी देखते रहेंगे तो उससे आपका इंक्रीज होता रहेगा जो है नॉलेज, कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और कैसे और लोगों से बेटर आंसर लिख सकते हैं। और अभी तक जो है जो भी हमारे टेस्ट हुए हैं इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, उसमें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके 65th BPSC मेंस की एक टेस्ट सीरीज़ की
प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं और जितने भी उनके हर एक टेस्ट के डिस्कशन वीडियो आए हैं वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस के क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करके हमें दिखाना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाइए, क्वेश्चन देखिए, टेस्ट 1 से टेस्ट 15 तक करा दिया गया है, आप क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर लिखिए और हमको टेलीग्राम पर सेंड करिए। ये फैसिलिटी 65th BPSC स्टूडेंट्स और 66th BPSC स्टूडेंट्स दोनों के लिए। जब आप हमसे ज्वाइन होंगे 66th BPSC के स्टूडेंट, तो आप हमें व्हाट्सएप पे 66th BPSC लिख के सेंड करेंगे, ठीक है। और जो 65th BPSC के स्टूडेंट हैं वो जब हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वो 65th BPSC का जो आपका प्रीलिम्स का रोल नंबर है, आपका जो है क्या ऑप्शनल है और आपका टेलीग्राम नंबर क्या है, ये तीन चीज़ और आपका नाम, ये चार चीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, जिसके बाद आपको हमारे साइड से टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा और आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग फील कर चुके हैं, आप भी इससे जुड़ के अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही हो BPSC रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, कैसी भी किसी भी टाइप की, तो आप हमारे नंबर 8853733387 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8853733387, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे और कैसी भी प्रॉब्लम है हम उसे शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।